मार्केट में ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं बेबी फॉर्मूला के, जो कि मैन्युफैक्चर करते हैं वैरायटी ऑफ फॉर्मूलास। तो इन सबके बीच में हम सही फॉर्मूला कैसे चुने, और इस वीडियो में आपको फॉर्मूला रिलेटेड हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बना के दिखाऊंगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, पर आपको सारे क्वेश्चन के आंसर फॉर्मूला रिलेटेड इस वीडियो में मिल जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का एपिसोड फॉर्मूला के बारे में है। फॉर्मूला रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो फॉर्मूला कब दें, कौन सा फॉर्मूला दें, कैसे दें और कौन से बच्चे को दे सकते हैं, ब्रेस्ट फीड से बेटर है या नहीं, हर वो क्वेश्चन जो आपके माइंड में फॉर्मूला देते हुए आता है, या फिर आप अपने बेबी को फॉर्मूला देना चाहते हैं पर किसी वजह से आप शुरू नहीं कर पा रहे हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड है या नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आज की वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल के नए व्यूअर हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा है उसको हिट करके ग्रे कर लीजिए, साइड में जो बेल आइकन मिल रहा है उसको हिट करके रेगुलर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक बटन को हिट करना मत भूलिएगा। वीडियो के एंड में आप चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं, अगर कुछ नया चीज आप बोल सकते हैं तब भी इट विल हेल्प मी अ लॉट। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, ये बेबी फॉर्मूला होता क्या है। बेबी फॉर्मूला एक मिल्क पाउडर है जो कि ब्रेस्ट मिल्क का सब्स्टिट्यूट है। सबसे पहले मैं मेरे सारे व्यूअर्स को एक चीज़ बताना चाहूँगी, WHO गाइडलाइंस के हिसाब से हमेशा ही 0 to 6 months के अंदर जो बच्चे होते हैं उन लोगों के लिए ब्रेस्ट फीड इज द बेस्ट वन, और हर माँ को पहले ब्रेस्ट मिल्क के लिए कोशिश करना चाहिए। अगर ब्रेस्ट मिल्क नहीं हो पाता है देन ओनली आपका सब्स्टिट्यूट फर्स्ट सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला होना चाहिए। WHO गाइडलाइंस के हिसाब से बच्चों का जो फर्स्ट ईयर रहता है, एक साल तक बच्चों को भरपूर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, और इस दौरान उनको कम मतलब उनका पेट अगर खाली रह जाए या फिर उनका अगर पोषण सही तरह से ना हो तो फिर आगे चल के बच्चों को काफ़ी दिक्कत होता है या फिर उनके ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत दिक्कतें आती हैं। इस वजह से कोशिश करिएगा जब भी हो बच्चों को एक साल के अंदर अगर आपका सप्लाई कम भी हो रहा है तब भी बच्चों को फॉर्मूला में स्विच कराने, सो दैट बच्चा फॉर्मूला बहुत ईजिली एक्सेप्ट कर ले। और ये मिल्क का सबसे बेस्ट सब्स्टिट्यूट है, ब्रेस्ट मिल्क के अलावा अगर आप कुछ दे सकते हैं तो दैट्स ओनली एंड ओनली फॉर्मूला। बच्चों को फॉर्मूला कब से हम शुरू कर सकते हैं, बेबी फॉर्मूला शुरू करने का ऐसा कुछ टाइमलाइन नहीं होता है। किसी वजह से आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई नहीं हो पा रहा है फ्रॉम द हॉस्पिटल, जब बच्चा बर्थ होता है मतलब बेबी बर्थ के बाद इमीडिएट बाद अगर मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो पाया तो वहीं पर ही फॉर्मूला शुरू कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद कंटिन्यूस बेबी फॉर्मूला में ही रहता है। लेकिन अगर आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई थोड़ा सा कम हो रहा है या फिर 6 months होने से पहले अगर आपका सप्लाई कम हो रहा है तब आप फॉर्मूला पे स्विच कर सकते हैं। आपके पीडियाट्रिशियन आपको सही ब्रांड आपके बच्चे को देख के रेकमेंड कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल कभी अगर पीडियाट्रिशियन नहीं रेकमेंड किए कोई स्पेसिफिक ब्रांड तब आप खुद से भी चुन सकते हैं। फॉर्मूला मिल्क शुरू करने का कुछ टाइमलाइन नहीं होता, ये सब्स्टिट्यूट है जो कि मदर्स मिल्क होता है उसमें जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसका सबसे क्लोज होता है फॉर्मूला, क्योंकि 0 to 6 months के बीच में बच्चों को दूसरा कुछ देने से बच्चों को इन्फेक्शन हो सकता है या बच्चा उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। इसी वजह से हमेशा ही पीडियाट्रिशियंस फॉर्मूला ही रेकमेंड करते हैं। और यहाँ पे और एक सवाल रहता है हर पेरेंट्स के मन में कि फॉर्मूला हम कौन से बच्चे को दे सकते हैं और कौन सा फॉर्मूला दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ज़रूर ही आप लोगों को बताना चाहूँगी, फॉर्मूला इतने ब्रांड्स के अवेलेबल हैं कि हर फॉर्मूला को एक अलग तरह से हर बच्चा एक्सेप्ट करता है। हो सकता है आपके बेबी जिस फॉर्मूला में कंफर्टेबल है दूसरे का बेबी उस फॉर्मूला में कंफर्टेबल ना हो। और ये जो क्वेश्चन है कौन सा फॉर्मूला सबसे अच्छा है, इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए मैं एक चीज़ ज़रूर ही बताना चाहूँगी, मार्केट में इतने सारे फॉर्मूला ब्रांड्स अवेलेबल हैं तो आप कंपेयर नहीं कर सकते हो कि कौन सा फॉर्मूला सबसे बेस्ट है। हो सकता है आपके बेबी को जो फॉर्मूला सूट करता हो वो दूसरे के बेबी को ना सूट करें, और एक फॉर्मूला में जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो दूसरे फॉर्मूला में थोड़ा बहुत डिफर कर सकते हैं, ब्रांड टू ब्रांड ये चीज़ फ़र्क पड़ता है। तो हम कैसे डिसाइड करें कौन सा फॉर्मूला दे सकते हैं,
वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाली हूँ फॉर्मूला किस तरह से बनाया जाता है, प्रॉपर तरीका। लेकिन उससे पहले मैं क्लियर करना चाहूँगी कि अगर आप फॉर्मूला देने के बारे में सोच रहे हैं तो आप ब्रांड के ऊपर मत जाइए। बहुत टाइम पे ऐसा भी होता है कि आप जो ब्रांड यूज़ कर रहे हैं वो आपके बेबी को सूट कर रहा है, तो फिर आप ब्रांड अगर स्विच करते हैं तो हो सकता है आपके बेबी को कुछ प्रॉब्लम्स आए, उसको स्पीटअप्स हो या फिर स्टमक पेन हो या फिर उसके पॉटी में कुछ चेंजेस हो। ये सारा चीज़ को ऑब्जॉर्व करके आप जान सकते हैं कि आपके बेबी को फॉर्मूला सूट कर रहा है या फिर नहीं, आपके बच्चे को फॉर्मूला सही तरह से सूट कर रहा है या नहीं, ये आप किस तरह से जान पाएंगे। तो अब देखिए, अगर आपका बच्चा फॉर्मूला लेने के बाद ज़्यादा स्पीडअप्स कर रहा है या फिर उसके मोशन में कुछ चेंजेस आप फील कर रहे हैं या फिर फॉर्मूला लेने के बाद फ्रिक्वेंटली वो खाना चाह रहा है, अगर आपका बेबी कंटिन्यूस एक फॉर्मूला ले रहा है उसके बाद उसका वेट गेन नहीं हो रहा है या फिर वेट डिटोरेट कर रहा है, वो ठीक तरह से खाना पीना नहीं कर रहा है, तब आप फॉर्मूला स्विच कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका फॉर्मूला आपके बेबी पे सही तरह से वर्क नहीं कर रहा है या फिर आपके बेबी को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो फॉर्मूला से शायद कंप्लीटली नहीं मिल पा रहा है। और ये चीज़ आप बच्चे को अब्सॉर्ब करके देख सकते हैं और उसी में से ही आप जान सकते हैं। और 6 महीने तक जो बच्चे होते हैं उनको फॉर्मूला दिया जा सकता है, सिर्फ फॉर्मूला। उसके बाद 6 मंथ प्लस जब बच्चे हो जाते हैं, फॉर्मूला के साथ आप सारे सॉलिड्स दे सकते हैं बच्चों को। अकॉर्डिंग टू एज अलग अलग तरीके से आप सॉलिड्स बच्चों को दे सकते हैं। तो मैं गूगल के बारे में बताना चाह रही हूँ। गूगल को मैं 11 मंथ्स तक सिर्फ ब्रेस्ट फीड में रखा था क्योंकि मुझे फॉर्मूला का ज़रूरत नहीं पड़ा। अगर आप जानना चाहते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई किस तरह से बढ़ा सकते हैं और उसके लिए क्या कर सकते हैं तो, और बेबी स्पीटअप्स और दूसरे जो बेबीज़ के प्रॉब्लम होते हैं, तो इन सारे टॉपिक्स में मेरे चैनल में आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप सारे वीडियोज़ जाके एक बार देख सकते हैं। मैंने जो फॉर्मूला 11 मंथ्स ऑनवर्ड्स गूगल पे पहले यूज़ करना सही समझा वो है नैन प्रो। अभी फिलहाल गूगल 1 साल का हो गया है, 12 मंथ्स प्लस है, तो इसलिए मैं नैन यूज़ करती हूँ। नैन इसलिए क्योंकि गूगल के जो पीडियाट्रिशियन है वो रेकमेंड किए थे, और नैन बहुत लाइट फॉर्मूला भी है। अगर आप इनिशियली शुरू करना चाहते हैं, मैं आपको नैन प्रो के बारे में एक चीज़ दिखा के बताना चाहूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे DHA, ARA, विटामिन ए सी डी, कैल्शियम, जिंक, आयरन, ये सारे एलिमेंट्स हैं जो कि हमें नॉर्मली चाहिए, और ब्रेस्ट मिल्क में ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। इवन आप बोल सकते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क का अगर बेस्ट सब्स्टिट्यूट कुछ है तो वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला है। नैन में ऐसा कुछ स्मेल जैसा प्रॉब्लम नहीं होता और बच्चे बहुत इजीली इसको डाइजेस्ट कर जाते हैं। कुछ कुछ बेबीज़ में ये प्रॉब्लम कर सकता है, मैं इंडिविजुअली ये चीज़ नहीं बता सकती हूँ, पर गूगल के साथ ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं आपको ज़रूर ही फॉर्मूला के बारे में बताना चाहूँगी। सारे प्रॉपर्टीज़ क्योंकि अलग अलग होते हैं, हर फॉर्मूला ब्रांड्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, तो आप हर 6 मंथ में अगर आपका बेबी का फॉर्मूला स्विच करेंगे तो उसमें बेनिफिट ये रहता है कि आपकी बेबी को हर न्यूट्रिशन मिलते हैं जो एक ब्रांड प्रोवाइड करता है, वो सारे मिलते हैं। उसके बाद आप जब स्विच करते हो तो दूसरे ब्रांड भी जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है वो भी आपके बच्चे को मिलते हैं, और इससे आपका बेबी का एडॉप्टेबिलिटी भी बहुत बहुत अच्छा ही डेवलप करता है। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है, आप चाहे तो आप कर सकते हैं। अगर आपको एक ही ब्रांड पे कंटिन्यू करना है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इट्स टोटली माय ओपिनियन, इट्स अप टू यू कि आपको स्विच करना है या नहीं करना है। गूगल का मैं नैन प्रो 6 मंथ होने वाला है, उसको और 2 महीने बाद मैं चेंज करने वाली हूँ। तो फिलहाल मेरा सेकेंड चॉइस इन्फामिल है। मैं इन्फामिल के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च की थी और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत लाइट फॉर्मूला है और बच्चे बहुत ईजिली डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो इस वजह से मैं इन्फामिल में स्विच करने वाली हूँ। फॉर्मूला को देने का सही तरीका क्या है? हम एज ए पेरेंट बहुत टाइम पे बहुत गलतियाँ भी करती हैं कि फॉर्मूला हमें कब देना है, किस तरह से देना है, तो इन सारे सवालों का जवाब मैं आज देना चाह रही हूँ, सबका डाउट्स क्लियर करना चाह रही हूँ। अगर कुछ मेरे से छूट जाए तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, तो सो दैट मैं उसको भी क्लियर कर सकूँ। बहुत सारे पेरेंट्स एक गलती कर जाते हैं क्योंकि फॉर्मूला थोड़ा कॉस्टली होता है, और बच्चों को जब चाहिए होता है तब अगर हम बनाएं और बच्चा किसी वजह से ना खाए
तो उसको हम कुछ देर के लिए रख देते हैं, बहुत पेरेंट्स ये गलतियां करते हैं, उसको रख देते हैं और कुछ देर बाद उसको वापस से खिला देते हैं। लेकिन जैसे कि आप कोई भी फॉर्मूला का पीछे आप देख सकते हैं, वहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि फॉर्मूला बनाते कैसे हैं, उसको देते कितना टाइम बाद आप दे सकते हैं, कितना देर तक आप रख सकते हैं। तो इन सब के हिसाब से अगर आप फॉर्मूला सही तरह से देना चाहते हैं तब आप फॉर्मूला को इंस्टेंटली बनाने का कोशिश करिए। कभी भी फॉर्मूला को स्टोर मत करिए, उससे फॉर्मूला खराब हो जाता है। एज ए पेरेंट आप समझ सकते हैं कि आपके बच्चे का भूख का टाइम कौन सा है, और जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तब एवरी 2 आवर्स उनको फीड कराने का जरूरत पड़ता है। आप अपने कमरे में, अपने घर में जहाँ पर आपका बेबी रहता है उसके आसपास एक बेबी स्टेशन बना के रखिए, जहाँ पर कि फॉर्मूला रिलेटेड सारी चीज़ें आप स्टोर करके रख सकते हैं। जब बच्चे को भूख लगे तब फटाफट से आप फॉर्मूला बना के उसको फीड करा सकते हैं। अगर आपका बेबी का फॉर्मूला आप बनाने का एक अलग से स्पेसिफिक स्टेशन रखेंगे तो आपको हर चीज ढूंढने के लिए, लाने के लिए बार बार भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप फॉर्मूला बना चुके हैं तो मैक्सिमम आप हाफ एन आवर रख सकते हैं फॉर्मूला को स्टोर करके ऐसे ही। लेकिन कभी भी फॉर्मूला को वापस से गर्म नहीं करना है या फ्रिज में स्टोर नहीं करना है, फॉर्मूला खराब हो जाता है। फॉर्मूला को इंस्टेंटली बना के ही देना है। अगर आपका बेबी किसी वजह से नहीं खा रहा है और वो आधा घंटा पौना घंटा ऊपर हो गया है तब प्लीज उसको फेंक दीजिए, क्योंकि ये बच्चे के पेट में जाके गैस क्रिएट कर सकता है, इंडाइजेशन क्रिएट कर सकता है। तो इस वजह से आप फॉर्मूला फेंक दीजिए, उसको वापस से यूज मत करिए। कई पेरेंट्स को एक डाउट होता ही है कि अगर आपका मिल्क सप्लाई अभी कम हुआ है पर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है तो आप क्या मिल्क के साथ बेबी फॉर्मूला कंबाइन कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली यस, क्योंकि फॉर्मूला आप अगर कुछ टाइम दे रहे हैं तो बाकी टाइम आप अपना फीड करा सकते हैं, क्योंकि फीडिंग के लिए कभी भी फॉर्मूला एक ऑब्स्टेकल नहीं है। तो इस वजह से इसके लिए क्लियर यस है, आप कभी भी फॉर्मूला और ब्रेस्ट मिल्क कॉम्बाइन करके बच्चे को दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पेरेंट्स को ये डाउट भी होता है कि फॉर्मूला बनाने के लिए कौन सा पानी यूज करें, तो यहाँ पर आंसर है बॉइल्ड वाटर आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप पानी को बॉईल करते हैं तो सारे बैक्टीरिया उसमें मर जाते हैं, उसके बाद आप उस पानी को ठंडा करके जो नॉर्मल टेम्परेचर में आप दे सकते हैं, बेबी को फीड करा सकते हैं, उस टेम्परेचर में ला के आप दे सकते हैं। ठंडा पानी आपको इसमें ऐड नहीं करना है। आप चाहे तो पानी को एक बार बॉईल करके फ्लास्क में रख सकते हैं और जब आपको फीड कराना हो तब आप फ्लास्क से निकाल के कर सकते हैं। मैं गूगल के लिए फ्लास्क में एक ही बार में गर्म करके रख देती हूँ, वो दिन भर में जितना बार फॉर्मूला लेता है उतनी बार मैं वहां से पानी निकाल के उसको फॉर्मूला बना के दे देती हूँ। आज के एपिसोड आप एंड तक जरूर देखिए, मैं गूगल का फॉर्मूला किस तरह से बनाती हूँ, सही तरीका क्या है, उन सब के बारे में मैं आज बताने वाली हूँ आपको दिखा के। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक बटन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत पेरेंट्स को ये क्वेश्चन होता ही है, अगर बेबी फॉर्मूला हम बना लेते हैं ग्लास में, कोई कोई प्रेफर करते हैं कांच के ग्लास में, स्टील के ग्लास में, या फिर कहीं बोल में या कहीं पर बनाना, तो यहाँ पे मैं जरूरी बताना चाहूंगी आप ऐसे जगह पे बेबी फॉर्मूला बनाइए जिसको आप स्टेरिलाइज कर सकते हैं। बहुत सारे बेबी बॉटल्स आते हैं, फीडिंग बॉटल्स, उसमें आप फॉर्मूला बनाना सबसे बेहतर होगा, क्योंकि बीपीए फ्री होता है और उसको स्टेरिलाइज किया जा सकता है। तो इस वजह से वैसे बॉटल्स आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बेबी फॉर्मूला दूसरा कुछ में बनाना चाहते हैं तो मैं आपको जरूरी सजेस्ट करना चाहूंगी कांच या फिर आप बॉटल स्टेरिलाइजेबल कोई मटेरियल यूज करिए, क्योंकि बैक्टीरिया फ्री रहता है और बच्चों का जो फॉर्मूला होता है ये नेचुरल फीड नहीं है, ये साइंटिफिक सॉल्यूशन है जिसको आप बना रहे हैं। तो इसको कुछ कुछ चीज में रिएक्ट करे या जो चीज स्टेरिलाइज ना हो उसमें यूज करने से अच्छा है आप सैनिटी और हाइजीन मेंटेन करें और बच्चों को उस चीज में खिलाएं जो कि आप स्टेरिलाइज कर सके, ताकि कोई भी बैक्टीरिया बच्चों के फीड के थ्रू उनके पेट में ना जाए। बहुत टाइम पे बहुत पेरेंट्स को ये इश्यूज होते हैं कि फॉर्मूला पीने के बाद बच्चे स्पीड अप कर ले रहे हैं या फिर उनके मोशन में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। हो सकता है आपका फॉर्मूला का प्रॉब्लम है, या ऐसा भी चांस है कि अगर आप
सही तरह से हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं तब भी बच्चों का मोशंस थोड़े पतले हों या फिर बच्चा स्पीड अप करे, गैस हो जाए, कॉलिक हो जाए, तो इन सब का रीज़न ये एक भी हो सकता है। तो हमेशा कोशिश करिए बच्चों का हाइजीन मेंटेन करने, जो बेबी बॉटल्स रहते हैं उसका भी हाइजीन मेंटेन करने, उसको किस तरह से स्टेरिलाइज करे और किस तरह से बेबी फॉर्मूला बनाए, इन सब के रिगार्डिंग वीडियोज़ मेरे चैनल में ऑलरेडी है। आई बटन में क्लिक करके आप जाके वो सारे वीडियो देख सकते हैं। और ये मैं गूगल के लिए जो चीज़ें यूज़ करती हूँ वो सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप चाहे तो वहां पर जाके एक बार देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आए अपने बच्चे के लिए आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। फॉर्मूला बनाने से पहले कुछ चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। हैंड वॉश आप कर लें और बेबी स्टेशन को भी अच्छी तरह से क्लीन हमेशा रखें। मैं फिलिप्स एवेंट का बॉटल्स यूज़ करती हूँ, एंटीकॉलिक बॉटल्स, जो कि गूगल स्टार्टिंग से ही यूज़ करता है। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि ये ISA का मार्क आप देख सकते हैं, जो कि काफ़ी सेफ रहता है, हाइजीन रहता है। और इसमें यहाँ पर दो तरह के पैरामीटर्स हैं, ML एंड आउंस, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा मेजरमेंट यूज़ करें। ये बॉटल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इसलिए क्योंकि गैस और कॉलिक का प्रॉब्लम इसमें नहीं होता। मैं यहाँ पे 9 आउंस या 9 ML आप बोल सकते हैं वाटर लेने वाली हूँ, क्योंकि गूगल को इतना अभी खाने का आदत है। मैं मिल्टन का फ्लास्क यूज़ करती हूँ, हमेशा बॉइल्ड वाटर में से मैं स्टोर करके रखती हूँ ताकि मैं इमिडिएटली यूज़ कर सकूँ। मैं यहाँ पे नीचे सरफेस में लेके पानी पोर कर रही हूँ सो दैट मुझे पता रहे कि ज़्यादा या कम ना हो जाए बॉटल में। उसके बाद मैं जो स्टोर करके रखी हूँ फॉर्मूला, वो हमेशा एयर टाइट कंटेनर में आपको स्टोर करके रखना है। और पैकेट के बाहरी हिस्से में आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला को किस तरह से स्टोर करना है, हमेशा एयर टाइट जगह पे ही स्टोर करना है और कभी भी खुला नहीं छोड़ना है। और जितना हो सकता है आप कोशिश करिए ड्राई हाथ से आप फॉर्मूला निकालें। मैं चम्मच, एक स्पेयर चम्मच भी साथ में रखी हूँ, इनकेस एक अगर भीग जाए या कुछ ख़राब हो जाए तो दूसरा चम्मच साथ में हो। मैं यहाँ पर 1x1 9 स्पून्स देने वाली हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं स्पून का लेवल इक्वल कर रही हूँ सो दैट पूरी तरह से जो मेजरमेंट है वो करेक्ट बैठे। मैं इस तरह से 9 चम्मच यहाँ पर डालूंगी। जब आप ये चम्मच 1x1 डाल रहे हो तब काउंट आप अच्छी तरह से याद रखिए, ज़्यादा या कम कभी कभी हम डाल देते हैं लेकिन एक्चुअल में ये सही नहीं होता क्योंकि ब्रांड के हिसाब से जितना एक्चुअली प्रॉपर्टीज़ होता है वो उसी के हिसाब से ही डाला जाए तो पूरा फ़ायदा उसका मिल सकता है। कभी भी ऊपर नीचे डाल देते हैं तो बहुत पेरेंट्स ये गलतियाँ करते हैं, पर ऐसे एक्चुअल में नहीं करना चाहिए। और अच्छी तरह से बॉटल को आपको सेक करना है। उसके बाद अगर आपको लगे कि बॉटल का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, आपके बच्चे के लिए जो टेम्परेचर सही है उस टेम्परेचर तक आप बॉल में पानी भर के बॉटल को ठंडा कर सकते हैं। एडिशनल ऊपर से ठंडा पानी आपको नहीं मिलाना है। आप अपर पाम में कुछ बूंद दूध के डाल के आप टेम्परेचर चेक कर सकते हैं और दूसरा तरीका भी आप अपना सकते हैं टेम्परेचर चेक करने के। अगर आप मेरे चैनल के नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में जो बेल आइकन है उसको हिट करके रेगुलर नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।